नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन द्वारा राजभवन के समीप एक धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, क्या कारण से आज आप यहाँ पर धरना। हाँ, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन यहाँ राजभवन के समक्ष बैठे हैं अपनी मांग के लिए। हम लोग को बहुत दिनों से हम लोग के सरकार बोला जा रहा है कि हम लोग को दिया जाएगा, तुम लोग को वेतन देंगे, मानदेय बढ़ाएंगे या सरकारीकरण करेंगे या सुपरवाइजर में तुम लोग का बहाली करेंगे, लेकिन हम लोग का किसी तरह का ना मानदेय का बात सुना जा रहा है, ना पोषाहार का बात सुना जा रहा है, ना हम लोग किसी प्रकार का कोई बात में सुना। हम लोग 52 दिन का हड़ताल यहाँ पर बैठे, उसमें भी हम लोग को बोला गया कि जब हम सरकार में आएंगे बहन तब तुम लोग का हम बात सुनेंगे और तुम लोग का सरकारीकरण करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी हम लोग को सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग आज 22 तारीख से हड़ताल के धरना प्रदर्शन यहाँ राजभवन समझ के हम लोग बैठे हुए हैं और चाहेंगे तो हम लोग अगला इसको बढ़ा भी सकते हैं, और अगर हम लोग को मार्च तक अगर सारा क्लियर कर देगा तो हम लोग 23 से केंद्र खोलने के लिए तैयार हो। अभी आगे धरना देना है? हाँ देंगे, अगर हम लोग का सुनवाई के लिए कुछ आश्वासन एक निश्चित टाइम तक नहीं मिलेगा तो हम लोग धरना देंगे, आगे तक टाइम तक देंगे। आपको क्या कहें? मानदेय और पोषाहार हम लोग का बहुत दिन से रुका हुआ है, करीब 7 से 8 महीने का, और केंद्र का संचालन कैसे होगा उसके लिए हम लोग को ये सोचना पड़ रहा है। दुकानदार भी पैसे उधारी देने के लिए मना कर रहा है, और जितने भी पैसा हम लोग के पास था तो हम लोग सब पैसा को तो खर्च कर दिए बच्चा को खिलाने के लिए। अभी तक हम लोग के पास कोई राशि नहीं बचा जो हम लोग केंद्र चलाने के लिए समर्थ है। हम लोग असमर्थ हो गए हैं केंद्र चलाने के लिए, हम लोग के पास कोई राशि नहीं है, हम लोग रोड पर उतर गए हैं, घर परिवार चलाने के योग में हम लोग का स्थिति खराब होते जा रहा है, और हम लोग का वेतन जो सरकार पहले जो यहाँ 52 दिन का प्रदर्शन हुआ था धरना दिए थे अनशन पर बैठे हुए थे जिसमें हम लोग को लाठीचार्ज भी किया गया था, और अभी अभी बोली दीदी कि कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस टाइम भी हम लोग को 2 अक्टूबर को भी हेमंत सोरेन भैया ने बोले थे कि अभी धरना तोड़ दीजिए, बात मान जाइए, अभी हम लोग का सरकार नहीं है, हम लोग का सरकार रहेगा तो हम लोग कर देंगे आप लोग को जो आपको आप लोगों की मांग है, जो मांग है जायज़ है, इसलिए हम लोग कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, बिना कहे हम लोग आपका मांग को पूरी कर देंगे और देने का कृपा करेंगे, कोशिश करेंगे। और अभी भी कुछ दिन पहले भी वही बोले कि देंगे, लेकिन अभी तक तो दिए नहीं हैं, और ना हम लोग का पासबुक में आया है, ना हाथ में आया, ना लेटर आया है, ना कुछ नहीं आया है। और मानदेय पोषाहार रुका हुआ है जिसके कारण से हम लोग का स्थिति ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और केंद्र को बंद रखने का ये हाँ आदेश दिए हैं, और इस आधार पर हम लोग DC को भी लेटर सौंप चुके हैं, और आज हम लोग बेबस होके यहाँ राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। अगर हमारी सरकार हमारी बातों को अनदेखी करेगी या अनसुनी करेगी तो हम लोग तालाबंद हमेशा के लिए केंद्र पर करके रखेंगे। अगर सरकार हम लोग की बात को अगर सुन रही है, देख रही है, समझ रही है हम लोग की समस्या को, तो हम तुरंत हम लोग को अगर राशि दे दिया जाएगा, समय से राशि दे दिया जाएगा, और अभी भी हम लोग का जो बकाया राशि है वो दे दिया जाएगा तो हम लोग कल भी हम लोग खोल सकते हैं, परसों भी खोल सकते हैं, जिस दिन हम लोग को हम लोग का खाता में पूरा राशि दे देगा तो हम लोग केंद्र खोलने के लिए तैयार हैं। इतनी कड़कती धूप में भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे आप लोगों ने सुनी। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।